जर्सी के फ्लॉप होने के बाद फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय दी है। साथ ही कहा गया है कि साउथ की फिल्मों का हिंदी रीमेक बनाने से अच्छा है कि ओरिजिनल फिल्मों को ही हिंदी में डब किया जाए। मलयालम फिल्मों के स्टार विजय बाबू पर केरल पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। एक महिला के आरोप पर पुलिस ने एक्ट्रेस के खिलाफ यह केस दर्ज किया है। जायद खान लंबे समय से ही बड़े पर्दे से गायब रहे हैं। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर अट्रैक्टिव फोटो शेयर की। एक्ट्रेस ने पिक्चर शेयर की जिससे उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी बताया है। वरुण अक्षय सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट वीडियोस और फोटो शेयर करते हुए नजर आते हैं। अब हाल ही में एक्टर ने फिर से अपना एक वर्कआउट वीडियो शेयर किया जिसमें वो एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धा कपूर ने अक्सर अपने पेट डॉग के साथ सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोस शेयर करती रहती है। हाल ही में उन्होंने घर की छत पर अपने डॉग के साथ खेलते हुए एक वीडियो शेयर किया है। एक्ट्रेस जरीन खान ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में अपना एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी माँ की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, सभी से दुआ करने की अपील करती हैं। बॉलीवुड एक्टर आयुष शर्मा को फैमिली ड्रामा फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के लिए कास्ट किया गया है। इस फिल्म को सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। मुंबई के सनी सुपर साउंड जूहू में बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान को स्पॉट किया गया जहां उन्होंने एथनिक आउटफिट में मीडिया के लिए पोज दिया। अवनीत ने अब फिर से फैंस के साथ अपना नया लुक शेयर किया है। फोटोज में एक्ट्रेस को फ्लोरल प्रिंट वाली शॉर्ट ड्रेस पहने देखा जा रहा है। डांस दीवाने के शर्ट पर एक्ट्रेस नीतू सिंह को स्पॉट किया गया जहां वो ग्रीन कलर के आउटफिट में नजर आई थी।